बाद में एक घर जलकर राख हो गया, जिसका नाम उमाशंकर पुत्र अवतार कृष्ण निवासी अन्नपूर्णा मंदिर डीसी ऑफिस पूंछ के पास है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। दो तीन बार गए, उन्होंने अपनी टीम भेजी, बीएसएनएल से उतार के चले गए। वो कह रहे बाकी मेरा मना नहीं। तो फिर हमने यहाँ पे अप्रोच पी ए साहब को मिले, जी साहब नहीं थे यहाँ पे, मैं एप्लीकेशन लेके खुद गया था। वो कह रहे साहब आएंगे तो फिर वो इलेक्शन में बिजी हो गए, फिर मैं खुद मुलाजिम हूँ। आप क्या सोचते हो कि टावर की वजह से नहीं, वो भी बड़ी जैसे गिरा हुआ, ये पड़ा था वहाँ भी, ये यहाँ से मोदी ने बनाया। सर मौजूद है एसीआर पुंछ कदीरुल रहमान जी। सर बताइए जो आग लगी है मोहल्ले में, तो क्या कहना चाहेंगे? ये जैसे हमने सुना कि यहाँ आग लगी है, मैं भी मौका देखने के लिए आया हूँ। उससे पहले जो फायर ब्रिगेड जो है वो आग यहाँ पे जा चुके थे, तो यहाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से या किस रीजन की वजह से आग लगी है उसका भी हम पता लगा रहे हैं, और जो इनका लास्ट हुआ है उसकी भी इन्वेंट्री बनाएंगे। ऊपर जो है इनका मकान जो है, ऊपर दो तीन कमरे जो है ना बिल्कुल खाकस्तर हो गए, उनकी विंडो पैंस वगैरह सारा कुछ, अलमारियों में जो कपड़े थे बच्चों के, जो रजाइयां थी, जो भी सामान था वो सारा जो है जल के खाक हो गया है। ऊपर मैंने देखा है टावर भी गिरा हुआ है बीएसएनएल का, और काफी अरसे से गिरा हुआ है। बीएसएनएल वालों को उठा लेना चाहिए था, तो उनको मैंने बोला अभी जो बीएसएनएल का यहाँ हेड है उसको कि इसको जल्दी जल्दी यहाँ से रिमूव करे ताकि कोई ज्यादा नुकसान ना हो। गर्मी का मौसम है तो आप ध्यान रखें अपना, कहीं कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हो या किसी को वायरिंग वगैरह अपनी जो है वो अच्छे तरीके से चेक करवा लें, और थोड़ा अलर्ट रहें क्योंकि गर्मी का मौसम है। शुक्रिया। सर आपका नाम? उमा शंकर शर्मा भैया जी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये नियर डीसी ऑफिस मोहल्ला शीश महल वार्ड नंबर 14 के रहने वाले हम निवासी। जो आपके घर में आग लगी है, क्या वजह रही, कैसे आग लगी? सर इसका अभी तक कोई वो एनालिसिस नहीं हुआ, क्योंकि सुबह 7:45 बजे हम नीचे ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो ऊपर टावर वगैरह बीएसएनएल का कोई तीन चार महीने से काफी टाइम से ऊपर गिरा भी हुआ है, तो अप्रोच भी हमने अप्रोच भी की, एसडीओ साहब को भी मिले, तो उनकी टीम आई थी, वो उस पर अपने कोई पार्ट्स उतार के ले गई है। बाकी वो कह रहे हैं कि टावर हमारा नहीं है, वो इनका रिलेटेड डीसी ऑफिस या एसपी ऑफिस का, तो हम वहाँ पे एक दो बार गए भी है डीसी ऑफिस भी, वो इलेक्शन से मसरूफ थे पीछे डी साहब भी, तो पीएमएम से भी बात हुई है, तो अभी तक कोई ऐसी वो क्या वजह है घर में आग लगने की, वजह अभी तक कोई ऐसा सर्किट शॉर्ट ही है, क्योंकि ऊपर से बिजली की तारें भी काफ़ी हैं, दूसरा टावर भी गिरा है, वो रीज़न भी हो सकता है। सर ये फायर ब्रिगेड, हाँ जी, 5-10 से उनको इन्फॉर्म किया, पहले तो मोहल्ला निवासी आगे, लड़की वगैरह सभी आगे, उन्होंने भी आग आधे से ज़्यादा बुझा दी, तो फिर अगर वो 7-10 मिनट के बाद वो फायर ब्रिगेड ही पहुँच गई, तो अगर वो ना आते तो ये दूसरे वाले कमरे जो रूम्स वगैरह ये हमारी बिल्डिंग चाचा जी की, ये इनको भी नुकसान हो सकता था। एक सिलेंडर भी भरा हुआ था, वो भी जल्दी जल्दी हमने बाहर निकाला, तो इससे ईश्वर की कृपा से बचाव हो गया। कितना नुकसान हुआ है? लगभग जी
सब कुछ मिला के मेरे एस्टिमेट एक लैपटॉप भी था, एक कंप्यूटर भी था मेरा अपना, तो ये कोई दो लाख के बीच में, दो सवा दो लाख के बीच में नुकसान हुआ हमारा सारा।